और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के यूपी दौरे पर रहे, आज दूसरा दिन है। इस दौरे के पहले दिन शनिवार को पीएम मोदी पहले आजमगढ़ गए और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी वाराणसी में रात्रि विश्राम करते हैं और इसी दौरान वो अचानक से गेस्ट हाउस से निकलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस घूमने निकल गए और पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी परिसर में विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आज मिर्जापुर भी जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन कल एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका वादा किया गया था। हालांकि क्रेडिट की होड़ यहां पर भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने जो वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया है। 3 साल की डेडलाइन रखी गई है कि 3 साल में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से जुड़ेगा, जिससे जो वेस्टर्न यूपी है, नोएडा जैसे जो शहर है, वो सीधे गाजीपुर यानी कि पूर्वांचल से जुड़ जाएंगे। तो कल इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, तो विरोधियों पर जमकर हमले भी किए। एक जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो सुर्खियों में बना हुआ है प्रधानमंत्री का, कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन क्या वो सिर्फ मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या फिर महिलाओं की भी है? और इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार की कटिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया और ये कहा कि हमने ट्रिपल तलाक को लेकर कदम उठाए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए। तो वहीं परिवारवाद और जिस तरह से एकजुटता देखने को मिल रही है सभी सियासी दलों में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अगर बात की जाए, तो उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किए, कई बड़े हमले किए। और आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो अचानक से सुबह घूमने के लिए निकल गए। और आपको बता दें कि बीएचयू परिसर के अंदर ये मंदिर है जहां पर तकरीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री रहे पूजा अर्चना की।